खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 6 नवंबर है, दिन है रविवार, और आज इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि आज बाजार थोड़ा कुछ ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहा है। तो आज को आपको अपडेट देना ज़रूरी था कि सरसों के बाज़ार में आज तेज़ी दर्ज हुई है। हालांकि कोई बड़ी तेज़ी दर्ज नहीं हुई है, लेकिन आने वाले एक दो दिन के अंदर बाज़ार ठीक ठाक बढ़ सकता है। आज सोयाबीन का जो बाज़ार है उसके अंदर 200 रुपये तक का बाज़ार सुधरा है। पिछले दो दिनों की या तीन दिनों की बात करें तो 300 से 400 रुपये की तेज़ी सोया बाज़ार में आई है। इसका असर निश्चित रूप से सरसों में और सरसों के तेल के अंदर दिखाई देगा। सरसों का तेल अब जैसे जयपुर एक्सपेलर भाव 1468 रुपये के आसपास है, तो ये 1470-72 रुपये के आसपास जल्दी ही आ सकता है और इसका असर सरसों में आएगा। और सरसों का बाज़ार जैसे अभी 7100 रुपये का आसपास का बाज़ार है जयपुर का 42% का, और ये जल्दी ही 72-73 रुपये तक जा सकता है। आज भरतपुर का बाज़ार भी ठीक हुआ है, भरतपुर का बाज़ार फिर 6700 रुपये पर आ गया है और कल इसके अंदर 100 रुपये की तेज़ी दर्ज हो सकती है। इसी तरह से सलोनी प्लांट के भाव के अंदर आज 25 रुपये का बाज़ार सुधरा है, लेकिन कल आज चूंकि अवकाश है तो कल बाज़ार खुलेगा तो उसमें 50-75 रुपये की तेज़ी और दर्ज हो सकती है। तो ये जानकारी सिर्फ आपको देने के लिए कि बाज़ार अपडेट हो रहा है, बाज़ार कुछ तेज हो रहा है, इसलिए आज ये आपको जानकारी देने के लिए केवल ये वीडियो बनाया है। और विशेष आज कोई बाज़ार कोई कारोबार कहीं हुआ नहीं है, नहीं काटन में कारोबार हुआ है, नहीं ही सरसों में कारोबार कहीं हुआ है और न ही किसी दूसरी जिंसों में, लेकिन तेजी नरमा कपास में भी है और सरसों में भी है और सोयाबीन में भी है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।